हाँ सही है वर कि अगर मैंने कुछ एक्सरसाइज किया ही नहीं होता तो आज 66 ईयर्स के बाद भी मेरे को खाना खाने को मन नहीं करता ज्यादा। तुम ही जसे मोठे व्हाल, शाळांतून कॉलेजला जाल, तसा तसा तुम्हाला कमी कमीच वेळ राहणार आहे, पण तरी तुम्ही व्यायामासाठी तास 2 तास काढलेच पाहिजे। मग तो व्यायाम खुल्या मैदानावरील असो, एखाद्या क्लबातील असो किंवा एखाद्या व्यायामासाठीच असलेला जिम मधला असो। सो उन्होंने समझाया कि तुम जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, स्कूल से कॉलेज वगैरह जाने लगोगे, फिर कॉलेज से ग्रेजुएट होके काम धंधा यानी ऑफिस वगैरह शुरू करेंगे, तो जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम हमें कम ही मिलने लगेगा। फिर भी वो बोलते हैं कि उनके हिसाब से हर एक ने 1 या 2 घंटे तो एक्सरसाइज के लिए निकालने ही चाहिए कुछ भी करके। फिर चाहे वो गार्डन में जाके नॉर्मल वॉकिंग करो, वहां पे जाके थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइज आती है वो करो, किसी क्लब वब को ज्वाइन किया है उनका कुछ रूटीन है वो फॉलो करो, या फिर जिम ही चले जाओ तो भी चलेगा। आयुष्यातील प्रत्येक गोष्ट शाळा कॉलेज मध्ये शिकून येत नसते, होय ना? म्हणून तुम्ही जसे मोठे व्हाल तसे तुम्ही आपले स्वतःचे शिक्षक व्हा। मतलब क्या है इसका कि लाइफ में हर एक चीज स्कूल और कॉलेज से ही सीखने को मिलती है ऐसा जरूरी नहीं है, करेक्ट? सो जैसे जैसे तुम लोग बड़े होते जाओगे वैसे वैसे तुम अपने खुद के टीचर बनो, इन द सेंस अपने हेल्थ का ध्यान खुद ही रखो। इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल कॉलेज छोड़ देना चाहिए, इसका ये मतलब होता है कि स्कूल कॉलेज एक एजुकेशन सिस्टम देता है लेकिन अपने हेल्थ का ध्यान, अपने रूटीन का ध्यान, अपने स्वास्थ्य का ध्यान अपनों को खुद को ही रखना पड़ता है, और उसके लिए खुद ही चार बाजू से देखकर यानी एक स्केड्यूल बनाना पड़ता है कि अगर मैंने ऐसा एक्सरसाइज किया तो ये अच्छा बेनिफिट रहेगा, हेल्दी खाना खाया ऐसा तो हेल्थ के लिए बेनिफिट रहेगा। तो ऐसे अपने हेल्थ के लिए हमें खुद ही टीचर बनना पड़ता है। टेनिस मध्ये एखादा चेंडू रेषेच्या आत आहे की बाहेर हे आपले आपणच पडताळून पाहतो आणि त्याप्रमाणे तो खेळायचा की सोडून द्यायचा हे ठरवतो ना। तसेच प्रत्यक्ष आयुष्यामधील देखील आपल्याकरिता चांगले काय आणि वाईट काय हे तुम्हाला कळले पाहिजे। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे टेनिस में वो जो बॉल है वो व्हाइट बाउंड्री के बाहर है कि अंदर है वो देखते हैं ना अपन, और उसको देखने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि उसको आगे खेलना चाहिए या उसको वहीं पे रोक देना चाहिए। तो सिमिलरली अपने लाइफ में भी कौन सी चीजें अच्छी और कौन सी चीजें बुरी ये भी तुम लोग को खुद ही डिसाइड करनी होती है और उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना होता है, यानी ये सब तुम लोग को खुद से ही पता चलना चाहिए। म्हणजे तुम्ही स्वतःवर अवलंबून राहायला शिकले पाहिजे, स्वावलंबी झाले पाहिजे, इन द सेंस कि ये सब चीजों का डिसीजन तुम लोग को खुद को ही लेना आना चाहिए, तुम लोग इंडिपेंडेंट इतने बनने चाहिए, तुम लोग स्वावलंबी मतलब आत्मनिर्भर यानी इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन खुद ले सके वैसा। आता आपण तिसऱ्या सहक्रमामध्ये प्रवेश करत आहोत। संपर्कामध्ये दळणवळण आणि संदेहवाहनाचा अवकाही वाढतो आहे। आता आपल्या घरी बसल्या जागी हवी ती माहिती तुम्हाला ईमेल आणि इंटरनेटवर मिळू शकते। उन्होंने बोला कि अभी हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, इतना जनरेशन आगे गया है कि और टेक्नोलॉजीज भी इतनी डेवलप हो गई है कि आजकल बैठे बैठे सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ढूंढना करना हो तो आज हम सीधा कंप्यूटर या लैपटॉप उठाते हैं या मोबाइल ही उठाते हैं और सीधा गूगल कर देते हैं। तो वही वो बोल रहे हैं कि एक जगह पे बैठ के ही जहां से चाहिए वहां से सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर चाहे वो इंटरनेट पे हो, किसी ने ईमेल भेजा हो, मैसेज भेजा हो या कुछ भी भेजा हो। तरी तुम्ही मित्रांशी व कुटुंबियांशी असलेल्या आपल्या व्यक्तिगत संपर्क तुटू देऊ नका। सो उन्होंने समझाया कि भले ही ऐसा फटाफट कम्युनिकेशन होता है फिर भी जो एक पर्सनल होता है ना, जैसे आप हर साल दिवाली पे हो या न्यू ईयर पे हो लोगों के घर पे जाके पहले विश वगैरह करते थे, तो अभी अभी क्या हो गया है सब कम हो गया है, सब लोग सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू ऐसा विश कर देते हैं फोन के थ्रू, और वो आना जाना जो है वो कम हो गया है। तो उनके दादाजी वही समझा रहे हैं कि आपका जैसा व्यक्तिगत यानी ऐसे जो आना जाना लगा रहता है जिससे रिलेशंस अच्छा मेंटेन रहता है, बॉन्ड रहता है, तो ये सब भले ही कितना ही टेक्नोलॉजी आए लेकिन तुम लोग छोड़ना मत, ऐसा टूटने मत देना। ये था सहस्करासाठी तुम्हाला माझ्या शुभेच्छा, यानी आने वाले दिनों के लिए या आने वाली लाइफ के लिए मेरे तरफ से बेस्ट विशेष। तुम सब प्रेम तुमचा आजोबा, यानी उन्होंने आशीर्वाद दिया, फ्यूचर के लिए विश किया अच्छे से और लेटर खत्म किया यहाँ पे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लेटर जहाँ पे दादाजी ने अपने पोते पोतियों को समझाया है
लाइफ का इम्पोर्टेंस और लाइफ कैसे देखना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए। तो ये जो शब्दार्थ है वो लिखने हैं दो बार, और ये जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करनी है। सो दिस वॉज द लास्ट चैप्टर आई गेस, दिस कम्प्लीट योर सेमेस्टर तक का पोर्शन। तो इसके बाद मराठी और हिंदी हिंदी का देखते हैं, लेकिन एटलीस्ट मराठी के लिए यू विल ओनली गिव टेस्ट नाउ चैप्टर वाइज, और क्वेश्चंस टेक्सुअल ही होंगे फिलहाल। और अगर वर्कबुक के मिले हो तो प्लीज़ मुझे पर्सनल पे टेक्स्ट कर देना। टिल देन इफ एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।